मुश्तमिल सिलसिला होगा। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब सवाल करेंगे मुजफ्फर घर वालों से, सहाबाए किराम में सबसे पहले बिस्मिल्लाह किसने लिखी? बड़ा यूनिक सवाल है जनाब। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हजरत खालिद बिन सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखी। जनाब हजरत सैयदना खालिद बिन सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु आप वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने की सआदत पाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत सैयदना खालिद बिन सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक और सआदत भी पाई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक अंगूठी पेश की थी। बताइए वो अंगूठी कौन सी थी? हज़रत खालिद बिन सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक अंगूठी बारगाह हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तोहफतन पेश की थी जिस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा हुआ था। ये अंगूठी मुसलसल हबीब मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास रही, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास से होती हुई हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास पहुंची। आखिरकार हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से अरिसना में कुएं में गिर गई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी फिर मुजफ्फर घर वालों की है। इमाम बताइए सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अकल में इजाफे का क्या नुस्खा बयान फरमाया है? अकल में इजाफा हर कोई चाहता है, आज सुन लीजिए इमाम शाफई ने इसका क्या नुस्खा अता फरमाया है। हजरत सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया जो शख्स अपना लिबास पाकिजा रखता है यानी साफ सुथरा रखता है तो उसकी फिक्रों में कमी आती है और जो उम्दा खुशबू लगाता है तो उसका हफ्जा कवी होता है, उसकी अकल में इजाफा होता है। जनाब उम्दा खुशबू लगाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना इंशाल्लाह फिक्रों को भी दूर करेगा, अकल में भी इजाफा होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुशबू लगाते वक्त नबी पाक की सुन्नत की नियत भी कर लें तो सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। लाहौर वालों से सवाल है, हजरत सैयदना अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाह ताला अलैह इबादत की मिठास हासिल करने का क्या तरीका बयान फरमाते हैं? जो हिकमतों को ढूंढ ले, जगा ले उस सवाल जल्दी जवाब जल्दी देना है, 10 सेकंड रह गए हैं। हजरत सैयदना अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने 3 चीज़ों को छोड़ दिया तो मुझे इबादत की मिठास हासिल हुई, मैंने लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दी तो मैं हक बात करने पर कादिर हो गया, मैंने बुरे लोगों की सोहबत छोड़ दी तो मुझे अच्छे लोगों की सोहबत मिल गई, और मैंने दुनिया की मिठास तर्क कर दी तो मुझे इबादत की मिठास हासिल हो गई। क्या बात है, दुनिया की मिठास तर्क कर दी तो मुझे आखरत की मिठास नसीब हो गई। अल्लाह दुनिया की मोहब्बत से हम सबको महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अजवा खजूर के चंद फवायद बयान कीजिए सैयद साहब, फिर अजवा खजूर फिर आपके पास होनी भी चाहिए। अजवा खजूर खाने से कोढ़ का मर्ज दूर होता है। इतनी रोजाना 7? ये पूरी बात करो ना यार। और नबी अली सलाम ने इरशाद फरमाया कि अजवा खजूर जन्नत से है, बस इसमें जहर से शिफा है। आए, आए। और एक और रिवायत के अंदर मिलता है कि नबी अली सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोजाना 7 अजवा खजूर खाने से जहर और जादू वगैरह नुकसान नहीं पहुंचाता। निहार मुंह, निहार मुंह नबी पाक अली सलाम का फरमान, बुखारी की रिवायत है, जिसने निहार मुंह बगैर कुछ खाए पिए अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी वो उठता है अजवा खजूर के 7 दाने खा लिए उस दिन उसे जादू और जहर भी नुकसान ना दे सकेंगे, ये जन्नत से है। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। चलें आज अजवा खजूर पेश की जाए। सुभान अल्लाह, अजवा खजूर जिनका जवाब आज, ऐसा एक और काम कर लेते हैं, अजवा का इतना फजाइल बयान हो गए ना, आज जिसका भी जवाब सही होगा उसको एक अजवा खजूर भी खिला देगा हमारे इस्लामी हाजरीन में से भी। इनको तो जरूर दें, इनको भी दे दें, इनको भी दें और उसके बाद हाजरीन में से भी दें, सबको एक एक दे दे। चले हमारे बच्चे इंशाल्लाह और बरकत लूट लेंगे, एक मुझे भी दे दें। चले भाई आज अजवा खजूर जिसकी फजीलत भी सुन ली है, अल्लाह करे मदीने जाकर भी अजवा खजूर खाना नसीब हो जाए। क्या बात है, उस जब अजवा खजूर हाथ में हो, गुंबद खजरा सामने हो और जमजम का प्याला हो और इफ्तार का वक्त हो तो उसकी बात ही और है। अल्लाह ये सारे मनाजिर आपको और मुझे बार बार देखना नसीब फरमाए।
अच्छा जनाब, अजवा खजूर ने तो माहौल बदल दिया। चले बारी लाहौर वालों की है। इमाम आजम अबू हनीफा हजरत सैयदना नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला ले अल्लाह पाक की किस कदर इबादत किया करते थे। करोड़ों हनफियों के पेशवा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ले ने अपनी ज़िंदगी मुबारका में 55 हज अदा किए और जिस मकान में आपका इंतकाल हुआ उस मकान में आपने 7,000 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल किया। अल्लाहु अकबर, 7,000 मरतबा कुरान पाक उस मकाम पर आपने ख़त्म किया जिस जगह पर आपका इंतकाल भी हुआ। 55 हज फरमाए, नवाफिल की कसरत थी, जिक्र असकार की कसरत थी। हनफी तो हम भी हैं, अल्लाह करे इमाम आजम अबू हनीफा की इबादत का सदका हमें नसीब हो जाए, हमारा दिल भी इबादतों में लग जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मुजफ्फर घर वालों से सवाल है कि अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी के फरमान के मुताबिक अहादीस कुदसियां कितनी हैं? अहादीस कुदसियां की तादाद जो है वो 200 से ज्यादा बताई जाती है और अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी ने अपनी किताब में 272 अहादीस कुदसियां को बयान फरमाया। अहादीस कुदसी, सुभान अल्लाह, इसके बारे में कुछ समझते हैं कि फरमान अल्लाह का हो और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान किया हो उसे हदीसे कुदसी कहा जाता है। और अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब में 272 अहादीसे कुदसिया जमा फरमाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हज मबरूर किसे कहते हैं? लाहौर वालों से सवाल है। हज मबरूर कहते हैं वो हज जिसके दौरान हाजी कोई गुनाह का काम ना करे, ना रियाकारी और ना शोहरत और ना मुरी का कोई शायबा हो, बल्कि खालिसन लिवजहिल्लाह हो। अल्लाह अकबर, फकत अल्लाह के लिए ये हज करे, कोई गुनाह ना हो, कोई रियाकारी ना हो, शोहरत की तमन्ना ना हो। अल्लाह हम सबको हज मबरूर नसीब फरमाए, इसी साल ऐसा करम हो जाए कि इस साल हज करने वालों में हमारा नाम भी लिख दिया जाए, हम भी मिलकर वहाँ लब्बैक पढ़ें और अहराम पहनकर जाएं। यकीन माने नाजरीन, जब अहराम पहनता है इंसान और लब्बैक पढ़ता है तो उसकी कैफियत ही कुछ और होती है। चलिए कुछ याद हरम में मिलकर लब्बैक मिलकर पढ़ लेते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। इंशाअल्लाह जल्द पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह एहराम पहन कर पढ़ेंगे और अल्लाह के घर पर काबे की हाजिरी भी देंगे इंशाअल्लाह। जनाब चार चार सवाल लाहौर वालों से भी हो गया सवाल, ठीक है। अब बारी है हमारे मुजफ्फर घर वालों की कि गमजदा शख्स की ताजियत करने की क्या फजीलत है? बड़े गमजदा लोग आसपास होते हैं, बीमार होते हैं, जाया करें, ताजियत किया करें। गमजदा शख्स की ताजियत करने वाले को अल्लाह ताला तक्वा का लिबास पहनाता है और उसे फजीलत में दो फजीलतें हैं, तक्वा का लिबास भी पहनाता है और भी कुछ फरमाया, और रूहों के दरमियान उसकी रूह पर रहमत फरमाएगा। क्या इनको दो नंबर दिए जाएंगे या एक नंबर इनको दिया जाएगा? अब बारी है लाहौर वालों की, जिसकी गीबत की जाए उसके कितने गुना मुआफ हो जाते हैं? लोग कहते हैं, लोग मेरी बड़ी बुराइयां बयान करते हैं, टेंशन ना लिया करो, सुनो, जिसकी गीबत की जाती है उसके कितने गुना मुआफ होते हैं? हजरत सैयदना आता खुरसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिसकी गीबत की जाए वो परेशान ना हो, कि हमें ये बात पहुंची है कि जिसकी एक बार गीबत की जाए उसके निस्फ यानी आधे गुनाह माफ हो जाते हैं। जिसकी गीबत की जाए उसके आधे गुनाह माफ हो जाते हैं।
हाँ तो घबराया ना करे, लोग कहते हैं हम दीन का काम करते हैं तो लोग हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं। आप एक एक फार्मूला जहन में रखें, सारी दुनिया को राजी नहीं किया जा सकता। आप ये देख लें आप अल्लाह और उसके रसूल के राजी होने वाले काम कर रहे हैं, पर वो टारगेट बना लें, बाकी जिसको प्रॉब्लम होती है वो होती रहे, वो आपकी गीबत करके उल्टा आपके गुनाह भी माफ हो रहे हैं, उनके नेकियों से आपके अकाउंट में नेकियां आ रही हैं, तो टेंशन किस बात की है। तो उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह हमें अल्लाह और उसके रसूल की रिजामंदी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जनाब ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, स्कोर बोर्ड जाने से पहले जरा यहाँ हाजरीन तक सवालात, और आज तो हर जवाब पर अजवा खजूर भी है जनाब जी। अब्दुल रहमान भाई तैयार हैं? चले भाई सवाल कौन कर रहा है, क्या कर?